सकता है अडानी अबानी के पत्नी खूबसूरत हो, उसके चक्कर में सब कुछ बेच रहे हैं। किसी खूबसूरत हीरोइन से अगर हाथ मिलाते हैं तो अंगूठा दबा देते हैं, इशारा है बलवंत है। बिहार के बॉर्डर के अंदर मोदी को हम घुसने नहीं देंगे। लाखों युवा तैयार हैं कि बिहार के अंदर अगर मोदी प्रवेश कर गया तो लात जूता मार के चूतर पर बिहार से बाहर उनको करेंगे। हम चूतर लाल कर रहे हैं, ये भी सूचना जाएगा उनके यहाँ। उसका बाप से डर नहीं लगता है आरएसएस को, घर चढ़ के मारेंगे उसको। आरएसएस होता क्या है, क्या है आरएसएस? गट्टा पकड़ के मारेंगे मोहन भागवत के आ जाए तो बिहार में। लेकिन ये हटियारा, ये तो सबसे बड़ा डरपोक नपुंसक प्रधानमंत्री निकला। क्या लग रहा है रजनीश जी, पूरे बिहार चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? बिहार चुनाव के किस नजरिए से देख रहे हैं? अंदर हॉल में बिहार के भाग्य विधाता बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इसी कॉन्फ्रेंस हॉल से बिहार के चीफ मिनिस्टर बन के जाएंगे। आपको ये बता रहे हैं, आज तीसरा मोर्चा का गठन होने जा रहा है बिहार में, और तीसरा मोर्चा का गठन के मतलब है दलित ओबीसी मुस्लिमों का गठबंधन। और जब दलित मुस्लिम ओबीसी समाज के लोग एक साथ आ जाएंगे, आदिवासी समाज के लोग एक साथ आ जाएंगे, तो बिहार में सरकार बनना तीसरा मोर्चा के तय है। हम लोग का चीफ मिनिस्टर बनेंगे और पढ़े लिखे लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे? मोदी जी भी तो पूरा ताकत लगा देंगे। मोदी जी क्या ताकत, वो ताकत लगा रहे हैं रेलवे को बेचने में, वो ताकत लगा रहे हैं कल कारखाना को बेचने में, वो ताकत लगा रहे हैं हवाई अड्डा को भेजने बेचने में। वो तराजू बटखारा लेके देश के जो मूल्य संपत्ति है, जो सरकारी संस्था है, वो अडानी अबानी के यहाँ बेच रहे हैं। सारा देश के जो संस्था है सारा बेच दिए, ठीक है। तो बात बताइए, इतना किसके लिए कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी किसके लिए इतना कर रहे हैं? देश बेच रहे हैं, हर संपत्ति को दाव पर लगा रहे हैं, किसके लिए? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। हो सकता है अडानी अबानी के पत्नी खूबसूरत हो, उसके चक्कर में सब कुछ बेच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, लेकिन लव इंडिया में ज्यादा विश्वास करते हैं। कभी आप देखेंगे हाथ मिलाने का स्टाइल इनका, किसी खूबसूरत हीरोइन से अगर हाथ मिलाते हैं तो अंगूठा दबा देते हैं, इशारा है चलो अंदर। इंसान देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो चरित्रवान नहीं चरित्रहीन व्यक्ति है। अच्छा, तो नीतीश जी इनके साथ, नीतीश जी के ऊपर भी उंगली उठता है क्या? चोर मुशेरा भाई, जिस कांड में देश के प्रधानमंत्री शामिल हैं, तो नीतीश जी कहाँ टूट के धोए हुए हैं। ये भी तो गाना गाने वाले हैं, आपको पता नहीं है बिहार में कितना गाना गाते हैं ये भाजपा और जदयू का जो गठबंधन है, ये गठबंधन देश को बर्बाद किया, नीतीश जी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ग्रेजुएशन, कोई PhD सब किए हुए हैं। ये सारे यहाँ जो आप देख रहे हैं बेरोजगार युवा जो हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग नौकरी में कितने लोग हैं जी? कोई नहीं। पढ़ लिख के ये बेचारा जिंदाबाद करते हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। बिहार में बेरोजगारियों का चरम सीमा ज्यादा है। एक बात बताइए, पिछले बार आपने कहा कि मोदी साहब को घुसने नहीं देंगे बिहार, आप अपने बयान पे अभी भी बरकरार हैं? एकदम एकदम सही हम बता रहे हैं आपको, बिहार के बॉर्डर के अंदर मोदी को हम घुसने नहीं देंगे। लाखों युवा तैयार हैं कि बिहार के अंदर अगर मोदी प्रवेश कर गया तो लात जूता मार के चूतर पर बिहार से बाहर उनको करेंगे। सारे युवा बेरोजगार हमारे साथ है, और हम जो कहते हैं आपको फिर हम दोहरा रहे हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। हम माननीय रामविलास पासवान के भी औकात बताने का काम किए थे चाराडी मोकामा के मेला में, जब एक्ट्रोसिटी मेरा सुप्रीम कोर्ट खत्म किया था, तो 2 अप्रैल आंदोलन का शंखानंद जो हुआ था वो मोकामा के धरती चाराडी मेला से हम आगाज किए थे, जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था पूरे भारत में, और मोदी को हम झुकाए थे और फिर एक्ट्रोसिटी को लागू करना पड़ा था। तो नीतीश जी को अब तक क्यों नहीं भगाए? उनको भी भगाइए, जब मोदी जी को भगा रहे हैं। भगाने का तो तैयारी चल रहा है अंदर, इनका तो जाना तय है। जिसकी संख्या ज्यादा उसका सत्ता में भागीदारी हो,
तो बिहार में दलित ओबीसी का संख्या ज्यादा है, मुस्लिमों का संख्या ज्यादा है। आप हर विधानसभा में जाकर सर्वे कर लीजिए, आप तो चैनल वाले हैं, आपको तो सर्वे करना चाहिए। तो संख्या ज्यादा मेरा है तो कम संख्या वाले चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाएंगे, विधायक कैसे बन जाएंगे। एक बात बताइए, आप कहते हैं मोदी जी को घुसने नहीं देंगे, मोदी जी के पास पूरा सिक्योरिटी है, कितना देश का बढ़िया बढ़िया कमांडो, बढ़िया बढ़िया सिक्योरिटी है। बिहार के 11 करोड़ जो जनता है वो मेरे साथ है, बिहार के 11 करोड़ मेरे साथ है, वो घुस जाए सबको लेके पहुंचेंगे, सारे सिक्योरिटी के सहित उठा पुठा के फेंक देंगे बाहर, कोई सिक्योरिटी काम नहीं देगा। हम तो कहते हैं मोदी जी के कि अगर इज्जत प्रतिष्ठा बचाना है तो बिहार के अंदर प्रवेश ना करें, नहीं तो 11 करोड़ बिहार के जो है दलित युवा ओबीसी सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं, सारे लोग मोदी जी से खपा है, कोई समाज के लोग इनसे खुश नहीं है, ये देश को बर्बाद कर दिए, धरातल में धसा दिए, 100 वर्ष भारत पीछे चला गया। उन्होंने कुछ दिन पहले किसान को बधाई दी है कि बधाई हो, यह अध्यादेश लागू है, किसान के हित में है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसीलिए मोदी जी के मंत्रिमंडल से एक महिला कैबिनेट मंत्री जो है इस्तीफा देके चली गई, इसीलिए जो है पार्लियामेंट के आगे आम आदमी पार्टी के जो है संसद जो है धरना पर बैठे हुए हैं, संजय सिंह हाँ बैठे हुए हैं। ये मोदी जी किसानों के साथ भी वही काम कर रहे हैं जो दलितों के साथ किए, ओबीसी समाज के साथ किए हैं, ये देश को सिर्फ बर्बाद करना जान रहे हैं और कुछ नहीं है। इस देश में मोदी जी तो एक मुखौटा है, आरएसएस के इशारे पर सरकार चलती है। अच्छा, तो क्या मोहन भागवत जी का इसमें हिस्सा है? सारा हिस्सा हम तो बताए आपको कि मोदी जी तो मुखौटा है, ये सारे चिंतामन ब्राह्मण जो काला ब्राह्मण है, काला नाग जो आरएसएस के ऑफिस में बैठ के चलाता है देश, उनके इशारे पे मोदी जी चलते हैं, वो जो कहेंगे वही मोदी जी करेंगे। वही कह रहे हैं कि सारे संस्था को बेचो, और संस्था बेचने का मुख्य वजह क्या है, बाबा साहब के दिया हुआ आरक्षण को खत्म करो। जब सब प्राइवेट निजीकरण जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो गया, तो ये तो आरएसएस का इशारा पे सब कुछ किया जा रहा है, आरक्षण खत्म करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और कुछ दिनों के बाद अगर हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं जागा, नहीं संभला, तो बाबा साहब के संविधान को भी ये एकदम धीरे से खत्म कर देंगे। एक बात बताइए, आज जो आपने पूरे पटना को जाम कर दिया, इससे ये सूचना मोदी साहब नीतीश को गया होगा? ये नहीं, एकदम किया होगा, हम चुत्तर लाल कर रहे हैं, ये भी सूचना जाएगा उनके यहाँ, हम एकदम चुत्तर को लाल करेंगे, ये भी सूचना जाएगा आपके चैनल के माध्यम से वायरल होगा। हम यहाँ नीतीश कुमार के यहाँ भी मेरा सूचना जाएगा, हम उनको पसीना छोड़ जाके देखिए कन्या मार्ग में पसीना बहा होगा, यहाँ तीसरा मोर्चा का गठन हो रहा है, उनका कुर्सी हिल रहा है, समाज मेरे साथ है, और चीफ मिनिस्टर आप बन जाइएगा, विधायक आप लोग बनिएगा, अब विधायक बनेगा पढ़ा लिखा युवा, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो पेरियार को मानते हैं, जो फूले को मानते हैं, जो बिरसा मुंडा को मानते हैं, जो वीर शिरोमणि चौहान मल को मानते हैं, जो बहुजन विचारधारा पे चलते हैं, ऐसे लोग बिहार विधानसभा में चुनाव जीत कर जाएंगे। आरजेडी जो अपनी रणनीति तय कर रही है उससे आप खुश हैं या ना खुश? आरजेडी के जो काम है वो अपना काम करे, हम तो कहें कि महागठबंधन और भाजपा गठबंधन, ये दोनों से जनता उब चुकी है, ये दोनों से जनता उग चुकी है और जनता मुक्ति चाह रही है। हाँ। और इस पीरियड में माननीय प्रकाश अंबेडकर जी का जो है बिहार के धरती पे आना, यानी भूकंप आ जाना राजनीतिक में, प्रकाश अंबेडकर के आज पटना में आगमन के मतलब है बिहार के राजनीति में खलबली मच गया है, सारे घोटालेबाज नेताओं में खलबली मचा हुआ है कि अब ये क्या हो रहा है, दलित के वोट कहाँ जाएगा, ओबीसी का वोट कहाँ जाएगा, मुस्लिम का वोट कहाँ जाएगा, सारे समीकरण को बिगाड़ रहे हैं अंदर में बैठ के प्रकाश अंबेडकर जी, सारे राजनीतिक दलों का समीकरण को बिगाड़ रहे हैं अंदर में बैठ के, अब बनेगा बिहार में तीसरा मोर्चा की सरकार, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा। आपको आरएसएस से डर नहीं लगता है? इतना खुल के उसका बाप से डर नहीं लगता है आरएसएस को? आरएसएस से कौन डरता है? आपको पता है कि हम द ग्रेट भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, हम पूरे देश में गरज के बोलते हैं, घर चढ़ के मारेंगे उसको। आरएसएस होता क्या है? क्या है आरएसएस? 3% वाले संगठन बना के उसमें भी हमारे लोग शामिल हैं, हमारे लोग उसका आरएसएस में झंडा उठाते हैं, उनको पता नहीं है? उनको भी पता है, वो सब लोग जान रहे हैं आरएसएस से की तो हम लोग डरते हैं, गट्टा पकड़ के मारेंगे मोहन भागवत के आ जाए तो बिहार में, कितना आरएसएस से हम लोग डरते हैं। पिछला बार तो आपने वोट किनको दिया था, मोहन भागवत ने जब आरक्षण किया? एकदम बीजेपी को दिए थे, इस बार हम आरएसएस के बात पर वोट नहीं दिए,
हम बीजेपी के वोट इसलिए दिए थे, उस समय पाकिस्तान के आतंकवादी जो है कोहराम मचाए हुए थे देश में, कभी इधर बम ब्लास्ट कभी उधर बम ब्लास्ट, तो पाकिस्तान के विरोध में हम लोग जो है भाजपा को एक विकल्प समझ के वोट दिए थे कि पाकिस्तान को नकेल अगर कोई कसेगा तो नरेंद्र मोदी ही कस सकता है। लेकिन ये भटियारा, ये तो सबसे बड़ा डरपोक नपुंसक प्रधानमंत्री निकला, इससे तो अच्छा कांग्रेस के लोग ये क्या कुछ किया, कहा कि हम जाके पाकिस्तान से सर काट के लाएंगे, कितना सर काट के लाया, भारत के सेना के सर के काट के ले गया पाकिस्तान। ये कुछ करने उड़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ बेच रहा है, बेचने का काम करेगा देश के। ये बिहार में अगर गलती से आ गया उसका आदमी तो गांधी मैदान के बेच देगा, इसको भी बचाना है। योगी सरकार ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की असुरक्षा को जगजाहिर किया है, वो कह रहे हैं कि एक स्पेशल फोर्स का भी गठन किया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसका फोर्स वही बहुजन समाज के लड़कियों के साथ बलात्कार करेगा जो अभी तक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार जब से बने हैं, जब बहुजन समाज के लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा, कौन लोग करता है, सर्वे आप करें, उसमें देखिए बहुजन समाज के कितना युवा है, सारे योगी जी का आदमी है, सारे उनका गुंडा है, जो खुद गुंडा है, आप गोरखपुर क्षेत्र में थाना में जाकर पता लगाइए योगी आदित्यनाथ गुंडा स्वामी पे कई गो FIR है, 307 का मुकदमा है, एक नंबर के गंजेरी भटियारा CM है, धर्म के नाम पर वो बन गया, राम के नाम लेकर वो जो है चीफ मिनिस्टर बन गया, हमारे लोग काल्पनिक देवी देवता को मानते हैं, धर्म के नाम पर उनको वोट दे देते हैं और चीफ मिनिस्टर बन के हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हाल की घटना है, एक वाल्मीकि समाज के लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, उसका जीभा काट लिया जाता है, उसका गोड़ तोड़ दिया जाता है, उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है, आज भी वह बहन हॉस्पिटल में भर्ती पड़ी हुई है, कौन लोग किया है आप पूछिए जाकर वहाँ। एक बात बता दी, राज सवाल, PM नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, और फिर जनता इस बार साथ है। मोदी जी ने नीतीश कुमार को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कौन काम कर रहे हैं, इनका काम तो बता दीजिए, काम तो बताइए। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, सारे युवा पढ़ लिख के बेरोजगारी झांकी मार रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए फिर रहे हैं, कौन मैंने विकास की है, आप चले जाइए किसी भी विभाग में, बिना माल पानी दिए हुए कोई काम नहीं होता, रिश्वत थोड़ी चरम सीमा पे है, कौन सा विकास की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, थोड़ा बताएंगे तब तो, कहीं कोई विकास उकास नहीं हुआ है। मोदी जी ने ऐसा कहा है, मोदी जी अगर नीतीश जी को तेल लगा रहे हैं तो उनको आदत है तेल मोबिल लगावे के, लगाने दीजिए, उससे कुछ होने होने वाला नहीं है बिहार। तो इस बार विकल्प बिहार ने चुन लिया है, विकल्प बिहार में मजबूत बन रहा है, अंदर तीसरा मोर्चा का गठन होने जा रहा है, और तीसरा मोर्चा में क्षेत्रीय बहुत सारी पार्टियों का जो है गठबंधन होगा, और हम लोग नीतीश कुमार से बेहतरीन चेहरा देंगे चीफ मिनिस्टर के लिए, आप देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।